नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए जो हमारी कक्षाएं संचालित हैं उसमें हमने 12 कक्षाएं अपनी कंप्लीट कर ली है। उन 12 कक्षाओं में हमने जो आखिरी कक्षा अपनी कंप्लीट की थी वो हमने कंप्लीट की थी मेमोरी की। मेमोरी में हमने दो तरह के मेमोरी आपको मैंने बताई थी। पहली जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक या फिर उसको क्या कहा जाता है मुख्य मेमोरी, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रैम और रोम क्या होता है, रैम और रैम कितने पार्टों में डिवाइड होता है, रोम कितने पार्टों में डिवाइड होता है। उसी के अंतराल में मैंने आपको बताया था उसके बाद ही कि जो दूसरी चीज़ इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी के बारे में, द्वितीयक मेमोरी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हमारे कंप्यूटर में डाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में संग्रहित करने की हमें आवश्यकता पड़ती है और कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है डाटा को संग्रहित करने की अगर वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगती है तो हम उसको दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारी मेमोरी खत्म हो गई तो हम तुम्हें दूसरा सिस्टम देते हैं, दूसरी मेमोरी देते हैं, तुम इसमें अपना डाटा सेव कर लो। आगे इतनी बात समझ में, दूसरी जो डिवाइस है उसमें डाटा सेव करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि कंप्यूटर में अगर मान लो किसी प्रकार की कोई खराबी आ गई या हार्ड डिस्क अगर उसकी क्रेश हो भी गई या किसी तरह की उसमें कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, जिससे हमारा डाटा नष्ट हो जाए, तो जो सहायक मेमोरियाँ जो रहती हैं जो जिन्हें हम निकाल के रख सकते हैं उससे हम अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो डाटा दूसरी सहायक मेमोरी में जो था वो सेव रहेगा। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो इसमें इसमें हम जो पहली मेमोरी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप क्या होता है इसके बारे में आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे कई बार, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक टेप होता क्या है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा वह है, बहुत ज़्यादा क्या है एक सिंपल सा तरीका है। मैग्नेटिक टेप होता है, इसी को अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सीपीसीटी में कि क्रमानुसार यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे सीक्वेंशियल मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो मैग्नेटिक टेप आपको बता देना है। बचपन में रेडियो चलते थे, है ना, एक वो कैसेट वाला रेडियो चलता था, कैसेट वाला टेप चलता था, उसमें कैसेट को लगाते थे इस तरीके से, पेन से उसकी रील निकलती थी, उसमें से लंबी सी रील निकलती थी कोको कोला कलर की, है ना, वो जो लंबी सी रील जो निकलती थी वही इसको कहा जाता है मैग्नेटिक टेप को। आगे इतनी बात समझ में, इसमें क्या होता है कि इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है बहुत ज़्यादा विशाल होती है, साइज़ के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उसकी संग्रहण क्या होती है, क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जब आप नया डाटा लिखते हैं तो जो पुराना डाटा है वो अपने आप क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि इसमें डाटा को आप बैकअप कर सकते हैं, डाटा आप इसमें बैकअप कर सकते हैं, यानी कि डाटा को आपने अगर इसमें लिख के स्टोर कर दिया कहीं पे इसको रख दिया तो कितने ही दिनों बाद अगर आप इसको उठा के फिर से चलाएंगे तो जो डाटा इसमें सेव था वो डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, दो बात हो गई। तीसरी बात हम इसके बारे में बताते हैं, इसमें जो डाटा होता है बहुत ही क्रमिक रूप में होता है, सिक्वेंशियल रूप में इसमें डाटा अपना होता है। तीन चीज़ हो गई। चौथी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी कि इसमें जो प्लास्टिक की रिबन होती है उस पर एक चुंबकीय पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है आयरन ऑक्साइड कहा जाता है, उसकी क्या चढ़ी हुई थी परत चढ़ी हुई होती है, ये चौथी चीज़ इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर डाटा आपके पास है तो उसके उसको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिक्वेंशियल मेमोरी का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। चलिए दूसरी तरह की जो मेमोरी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए मैग्नेटिक टेप के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की, यानी कि इस तरह की मेमोरियाँ जिनमें डाटा को अगर हमने स्टोर किया है किसी भी तरह से तो हम कंप्यूटर में उनको जैसे ही लगाएं वैसे ही हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जो मेमोरियाँ होती हैं इनको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। देखिए इसके उदाहरण आपके सामने लिखे हुए, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक डिस्क लिखा हुआ है, फ्लॉपी डिस्क लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, विंचेस्टर डिस्क लिखा हुआ है, साथ ही आपका सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का ही क्या है सबसे सटीक उदाहरण है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे चार नाम लिखे हुए हैं इन चारों नामों पे हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, इन चारों नामों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये चारों द्वितीय जो सहायक मेमोरी होती है उसी के बहुत ज़्यादा क्या है एक अच्छे उदाहरण है। देखिए समानता जो है इन सब में एक ही है, एक समानता इन सब में क्या है कि ये सब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हैं, पर ये सब किस तरह की हैं, ये डिस्क हैं। देखिए ये सब क्या हैं, डिस्क हैं। आगे इतनी बात समझ में, चलिए इन पे बात कर लेते हैं। चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो एक तरह की क्या होती है स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी का क्या है एक तरह का उदाहरण है। आगे इतनी बात समझ में,
इसमें प्लास्टिक की एक जो रिबन होती है उस पर मैग्नेटिक टेप की तरह ही चुंबकीय पदार्थ यानी कि आयरन ऑक्साइड की क्या चढ़ी होती है, परत चढ़ी हुई होती है। फिर इसको बनाया क्यों? तो मैग्नेटिक टेप की तुलना में ये क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ती है और उसकी तुलना में इसमें डाटा भी क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा स्टोर हो सकता है। दूसरी बात देखिए, उसमें जो था एक्सिस जो उसकी गति थी वो इसकी तुलना में कम थी। किसकी? मैग्नेटिक टेप की जो एक्सिस गति है वो चुंबकीय टेप की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। आगे इतनी बात समझ में? चलिए अब देख लेते हैं उसके बाद हमारा क्या जाएगा। हाँ, इसकी एक कमी क्या है कि इसको ना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या रखना पड़ता है, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। यदि इसमें जरा सी भी खरोच आ जाएगी आपकी किसमें, चुंबकीय डिस्क में, तो ये पूरी तरह से काम करना हमारा बंद कर देगी। आगे इतनी बात समझ में? अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्लॉपी डिस्क की। तो देखिए, फ्लॉपी डिस्क का जो नाम है फ्लॉपी डिस्क, वो इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके जो लच्छेदार यानी कि जो फ्लेक्सिबल इसका जो प्लास्टिक होती है उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, फ्लॉपी डिस्क पड़ा। इसको भी एक प्लास्टिक की जो परत होती है उसके अंदर बंद करके रखा जाता है। इसमें भी देखिए, डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए रीड राइट हेड बना हुआ होता है। ठीक, दूसरी बात है कि इसमें जो डाटा होता है उसको ट्रैक में बांटा जाता है। किसमें? इसे गोलाकार वो होता है उसको ट्रैक में बांटा जाता है, उन ट्रैकों को सेक्टर में बांटा जाता है जिससे कि डाटा आपको आसानी से पढ़ने में आ जाए। तो ये क्या हो गई हमारी, फ्लॉपी डिस्क हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, हार्ड डिस्क की। देखिए, हार्ड डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क भी क्या है, देखिए एक तरह की ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात, हार्ड डिस्क क्या है कि यह एक स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। तीसरी बात हमारी क्या हो जाएगी कि यह एक मैग्नेटिक टेप का ही उदाहरण है, यानी कि जो मैग्नेटिक टेप जो होती है यानी कि मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसी का क्या है, ये एक उदाहरण है। अब हार्ड डिस्क का जो उपयोग होता है वो क्यों होता है, तो कंप्यूटर में इंस्टॉल जितने भी एप्लीकेशन जो होते हैं हमारे या ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हमारे होते हैं वो कहाँ सुरक्षित होते हैं, तो वो हमारे कहाँ सुरक्षित होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर ही सुरक्षित होते हैं। आगे इतनी बात समझ में? इसमें क्या होता है कि जो दोनों मैग्नेटिक टेप हैं, जो दोनों मैग्नेटिक टेप होती हैं उन्हीं में डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। इसको सुरक्षा की दृष्टि से कायम रखा जाता है, एल्यूमिनियम की एक परत होती है उसमें ही रखा जाता है। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि देखिए, फ्लॉपी डिस्क जो थी ये किसी थी फ्लेक्सिबल थी, लोचदार थी, इसलिए इसको फ्लॉपी डिस्क कहा गया। इसके विपरीत जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कठोर होती है, एल्यूमिनियम की तो थोड़ी सी कठोर होगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हार्ड डिस्क भी कहा गया है। आगे इतनी बात समझ में? इसमें भी डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए रीड राइट हेड का उपयोग किया जाता है। किसमें? हार्ड डिस्क में। आगे इतनी बात समझ में? और क्या होता है कि देखिए, इसमें रीड राइट हेड और जो डिस्क होती है उसके बीच में जो गैप होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना कम होता है कि धूल का जो छोटा सा कण भी है वो उसमें फंस सकता है। और धूल का कण जब बीच में फंस जाता है तो जो डाटा होता है उसको पढ़ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब मुश्किल होता है तो इससे क्या होती है कि जो हमारा जो डाटा है उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसी को कहा जाता है हार्ड डिस्क का क्रेश होना। आगे इतनी बात समझ में? तो ये क्या हो गई हमारी, हार्ड डिस्क हमने अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम किस पे आते हैं, अपनी विंचेस्टर डिस्क पे आ जाते हैं। देखिए, विंचेस्टर डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हार्ड डिस्क जो होती है हमारी, इसको डिस्क पैक के आधार पे तीन हिस्सों में बांटा जाता है ना। पहला जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जिप डिस्क हो जाएगा। पहला जो हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, जिप डिस्क हो जाएगा। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा सुनिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क पैक हो जाएगा। अभी इतनी बात समझ में? तीसरा जो हिस्सा हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विंचेस्टर डिस्क हो जाएगा। अब ये जो तीनों जो विभाजन किए वो हमने किसके आधार पे कर दिए, डिस्क पैक के आधार पे, डिस्क के पैक के आधार पे हमने तीन तरह के इसके विभाजन कर दिए। ठीक है, तो जो विंचेस्टर डिस्क जो होती है, विंचेस्टर डिस्क जो होती है, देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें दो तीन जो डिस्क पैक होते हैं उनको एक के ऊपर एक स्थापित कर दिया जाता है। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात क्या होता है कि इसको सील बंद डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी धूल के कण या खरोच इस पे ना लगने पाए। आगे इतनी बात समझ में? अब सील बंद डिब्बे के अंदर जब आप उसको पैक कर दोगे तो उसकी जो संग्रहण क्षमता है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में? जब सीमित हो जाएगी तो अगर बाय चांस उसमें कोई कण हो गया तो फिर आप उसको पढ़ भी नहीं सकते, क्रेश हो जाएगी वो। वर्तमान में जो हमारे कंप्यूटरों में जो हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है, हार्ड डिस्क जो यूज़ की जाती है, जो हमारा जितना डाटा होता है वो सी ड्राइव में कैद होता है, ठीक है, वो जो डिस्क ड्राइव जो हमारी होती है विंचेस्टर डिस्क, जो हार्ड डिस्क जो हमारी होती है वो विंचेस्टर डिस्क का ही क्या है, एक उदाहरण है। आगे इतनी बात समझ में? ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विंचेस्टर डिस्क हमारी हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्टिकल डिस्क की। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है
कि ऑप्टिकल डिस्क में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो होती है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो होती है उसका जो एक गोलाकार डिस्क बनी होती है, कैसे इस तरीके की उसकी एक गोलाकार डिस्क बनी होती है, इस गोलाकार डिस्क पे परत चढ़ी हुई होती है काई की, एल्यूमिनियम की परत चढ़ी हुई होती है जिससे कि ये डिस्क जो होती है थोड़ी सी शाइनिंग मारती है, एक बात होगी। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इस इसमें जो डाटा स्टोर होता है वैसे सर्पिलाकार रूप में से स्टोर होता है, ठीक। इस तरीके की जो इसमें डिज़ाइन बनी होती है इनको बांट दिया जाता है काई में, ये हो जाता है क्या इसका ट्रैक, क्या हो जाता है ट्रैक, ट्रैक जो बटे होते हैं वो काई में बटे हुए होते हैं सेक्टर में, काई में बटे होते हैं सेक्टर में बटे हुए होते हैं। इसके बाद जो इसमें डाट देखिए इसमें असल में इसमें होता क्या है कि डाटा जो होता है अत्यंत सूक्ष्म इस तरीके के इसमें गड्ढे हुए होते हैं, है ना, इस तरीके के गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों में डाटा हमारा स्टोर होता है, आगे नहीं समझ में। अब जो ये गड्ढे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो ये जो गड्ढे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पिट्स, क्या कहा जाता है इन गड्ढों को, इनको कहा जाता है पिट्स, ठीक है। और जो ये समतल समतल जो क्षेत्र होता है इनको क्या कहा जाता है, इनके भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो समतल जो क्षेत्र होता है हमारा इसको क्या कहते हैं, लैंड्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैंड्स कहते हैं, आगे इतनी बात समझ में। डिस्क बटी होती है ट्रैक में, ट्रैक बटा हुआ होता है सेक्टर में, सेक्टर के बाद जो ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें कि डाटा स्टोर होता है इनको क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। और जो समतल जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, लैंड्स कहते हैं, आगे इतनी बात समझ में। अब ये जो हमारा जो पिट्स होता है ये किस मोड पर होता है, हमेशा अपना जीरो यानी कि ऑफ मोड पे होता है, किस मोड पे होता है यानी कि अपना जीरो ऑफ मोड पे होता है। लेंस जो होता है वो हमारा वन पे होता है यानी कि हमेशा होता है किस मोड पे, ऑन मोड पे होता है, आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में विस्तार से कि इसमें कौन कौन सी जो डिवाइस हैं वो हमारी आती हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। चलिए, चार ऑप्टिकल डिस्क हमने यहाँ पे लिख लिए, पाँच, इन पाँचों के बारे में हम विस्तार से चर्चा अपनी कर लेते हैं जल्दी जल्दी के अंदाज में, फटाफट बिल्कुल आपको एकदम तरीके से। सबसे पहले आपको जो सीडी रोम मैंने यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है इसको पढ़ने के लिए हमें सीखना होगा सीडी का मतलब क्या होता है। सीडी का जो मतलब होता है वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और जो रोम पीछे लिखा हुआ है, जब हमने रैम और रोम पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि रोम का जो मतलब होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये इस तरीके की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं जिनमें इनको बनाते वक्त ही डाटा को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब भी यही होता है कि इसमें लिखे हुए डाटा को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इससे एक बात और क्या साबित होती है कि ये एक तरह की क्या है, स्थाई मेमोरी का उदाहरण है, आगे इतनी बात समझ में। चलिए फिर अपन देख लेते हैं नीचे CDR, CDR का जो मतलब होता है वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी कि ये जो डिवाइस होती है, ये जो डिस्क होती है कॉम्पैक्ट डिस्क हमारी, ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ये भी कहीं ना कहीं सीडी रोम की तरह ही होती है, यानी कि इसमें भी जो डाटा होता है उसको एक बार लिख दिया जाता है, आप उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लिखे हुए डाटा को आप कई बार पढ़ जरूर सकते हैं। फिर हमारी आ जाएगी CDRW का जो मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि शब्द से ही स्पष्ट है कि रीराइटेबल का मतलब होता है एक से अधिक बार डाटा को लिख भी सकते हैं और एक से अधिक बार डाटा को पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर आ जाती है हमारी DVD, तो DVD जो होती है, DVD क्या होती है कि DVD CD की तुलना में DVD की जो संग्रहण क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, आकार में और दिखने के जो तरीका दिखती जो है उसमें बिल्कुल ही हमारी क्या होती है, CD की तरह ही होती है। सिर्फ एक खासियत इसमें होती है कि इसका जो संग्रहण क्षमता जो होती है वो CD की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या हो जाएगी, हमारी DVD हो जाएगी। मूवियाँ जब हम देखते हैं तो CD जो होती थी, पहले जो CD प्लेयर जो चलते थे उसमें जो CD होती थी, जो थोड़े हरे और पिंक कलर, हरे और येलो कलर की जो होती थी, उसमें सिर्फ एक ही मूवी आती थी। पर जो थोड़ी DVD जो होती थी, जो थोड़े नीले और पिंक कलर की होती थी, ब्लू और पिंक कलर की, उसमें 4 से 5 मूवियाँ हमारी एक साथ स्टोर हो जाती थी। तो वो किसका उदाहरण थी, DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारी ब्लू रे डिस्क। देखिए ब्लू रे डिस्क जो होती है आकार विकार के हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी तरह ही ये होती है, पर इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है 25 GB से लेके, 25 GB कब होगी, जब इसकी एक सतह पे डाटा होगा, 50 GB कब होगा, जब इसकी दोनों सतह पे डाटा लिखा हुआ होगा। तो इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है CD-ROM, CDR, CDW और DVD इनकी तुलना में ज़्यादा होती है, किसकी, ब्लू रे डिस्क की। एक बात और समझ लीजिए कि इन सबको पढ़ने के लिए लेज़र बीम का ही यूज़ किया जाता है,
लेज़र बीम का ही यूज़ किया जाता है। ब्लू रे डिस्क जो होती है इसमें खरोंच लगने की भी थोड़ी सी क्या होती है, संभावना कम होती है। और इस तो जो ब्लू रे डिस्क जो होती है हमारी, इसके डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है ब्लू वायलेट लेज़र, जो लेज़र होती है उसका यूज़ इसको पढ़ने के लिए किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता इन सब की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही ये समर्थन करती है किसको, HD को समर्थन करती है, यानी कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो काई की होती है, HD होती है। HD का फुल फॉर्म आप सभी को मुझे बताना है कि HD का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि HD जो होती है, जो HD शब्द हम जो लिखते हैं कि फुल HD में होना चाहिए, HD का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई डेफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HD का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये सब क्या थी, हमारी सहायक मेमोरिया थी। सहायक मेमोरी में किस तरह की थी, ये ऑप्टिकल डिस्क टाइप की मेमोरियाँ थी। इसके बाद अभी हमें पढ़ना है क्या, पेन ड्राइव पढ़ना है, और पेन ड्राइव के बाद एक और चीज़ बच जाएगी, हमारी मेमोरी कार्ड बच जाएगी। चलिए इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऑप्टिकल डिस्क के बाद हम दो तीन चीज़ों के बारे में और पढ़ लेते हैं फटाफट के अंदाजे। इसमें हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेन ड्राइव के बारे में। किसके बारे में, पेन ड्राइव के बारे में। पेन ड्राइव जो होता है, होता बेसिकली एक मुख्य मेमोरी ही होती है, और स्थाई मेमोरी, स्थाई में सॉरी, ये एक द्वितीयक मेमोरी होती है और होती है एक स्थाई मेमोरी का ही उदाहरण है। आगे इतनी बात समझ में। देखिए इसमें होता है क्या है कि ये सिद्धांत पे कार्य करती है प्लग एंड प्ले के, किसके कि आप इसको जो होता है हमारा सीपीयू के अंदर आप लगाइए, किसके माध्यम से, यूएसबी के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट होता है उसके माध्यम से आप इसे लगाइए, और लगाते से ही आपका जो डाटा होगा वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ होता है कि देखिए इसका जो आकार होता है बहुत ज़्यादा होता है, इतना सा इसका आकार होता है कि आप इसको जेब में भी आसानी से रख के घूम सकते हैं। साथ ही इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसकी, पेन ड्राइव की संग्रहण क्षमता होती है। और एक और चीज़ इसके बारे में बताता हूँ कि ये फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि आप इसमें डाटा को कई बार लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद पढ़ भी सकते हैं, फिर से उस डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी जगह पर नया डाटा भी आप लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली जो डाटा होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। आगे इतनी बात समझ में आपको। इसके बाद हम लोग जो है बात कर लेते हैं किसकी, मेमोरी कार्ड की। किसकी बात कर लेते हैं, मेमोरी कार्ड की। देखिए मेमोरी कार्ड में क्या होता है कि मेमोरी कार्ड का जो आकार होता है वो इतना सा होता है, इसी छोटे से आकार के कारण इसको अपन मोबाइल के अंदर भी लगा सकते हैं। इसको ही हिंदी में, बोलचाल की भाषा में, सामान्य रूप में हम लोग क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। चिप की भी संग्रहण क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये भी फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है हमारा, ठीक है। इसको लगाने के लिए कार्ड रीडर होता है ना, जो मेमोरी कार्ड होता है इसको आप सीधे सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको लगाने के आपको कार्ड रीडर की आवश्यकता होगी। बिना कार्ड रीडर के आप आपका जो मेमोरी कार्ड का डाटा है वो सीपीयू में पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि डाटा को आप लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, उसकी जगह पर नया डाटा भी आप लोग लिख सकते हैं, और उस डाटा को चेंज करके फिर से नया डाटा भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी स्मार्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात हम लोग कर लेते हैं, स्मार्ट कार्ड की। देखिए स्मार्ट कार्ड में क्या होता है कि हमारा जो ATM होता है या फिर हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये सारे स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत ही आते हैं। प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, इसके अंदर हमारी जितनी भी बैंक डिटेल वगैरह होती है वो सारी लिखी हुई होती हैं। जब हम जैसे ही हमारे ATM कार्ड को ATM के अंदर लगाते हैं तो वो उस सारे डाटा को इसमें जो स्टोर होता है, इसमें जो डाटा हमारा स्टोर होता है उसको क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, और रीड करने के पश्चात ही वो हमें ATM से पैसे निकाल के देता है। आगे इतनी बार समझ में। तो देखिए स्मार्ट कार्ड में भी हमारी कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोर होती है, भले ही उसकी जो क्षमता होती है, संग्रहण क्षमता थोड़ी सी कम होती है। तो ये थी हमारी क्या, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बारे में। हमने सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। अब अगर दिक्कत आ रही है पढ़ने में कि जो डाटा था वो हमने, जो इतना डाटा हमने पढ़ा है इसको हम पढ़े कहाँ से, तो रेंडमली आप कोई सी भी बुक खरीद लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया है हूबहू वही के वही शब्द आपको उन किताबों में मिलेंगे, और जितनी मैंने यहाँ पे बातें कही उतनी शायद आपको उसमें लिखी हुई ना मिले। तो आपको जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखवाई थी पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते जाइए, और जो जो बातें मैंने कही हैं उनको भी आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे इतनी बात समझ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ लिया, मेमोरी का चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिया। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।